गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ दिव्या सोनी फ्रॉम द RPIT कैंपस बसाड़ा करनाल, ट्यूटर इन द नर्सिंग डिपार्टमेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट द बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडिंग इन दिस टॉपिक दैट आर डेफिनेशन ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर, सिम्टम्स ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर, एटियोलॉजी, हु इज एट रिस्क बाइपोलर डिसऑर्डर SAD, प्रीविलेंस एंड द एपिडेमियोलॉजी, सुसाइडल रिस्क एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर आर द अननोन एज द मैनी डिप्रेसिव इलनेस इज द ब्रेन डिसऑर्डर दैट कोज अनयूजअल शिफ्ट इन द मूड, एनर्जी, एक्टिविटी लेवल्स एंड द एबिलिटी टू कैरी आउट डे टू डे टास्क। सिम्टम, पीपल विद द बाइपोलर डिसऑर्डर एक्सपीरियंस अनयूजअली इंटेंस इमोशनल स्टेट दैट अक्कर इज द डिस्टिंक्ट पीरियड कॉल्ड द मूड एपिसोड्स एंड द ओवरली जॉयफुल फॉर द ओवर एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एज द मैनिक एपिसोड एंड द एक्सट्रीमली सैड और द होपलेस स्टेज इज कॉल्ड एज द डिप्रेसिव एपिसोड। This is two types of episode in the bipolar disorder. Sometime mood episode include the symptom of the both mania and depression. These are called the mixed stage. Symptom, addition of the mania and depression, bipolar disorder can cause the range of the mood as the shown in the scale. कहीं बार depression होगा, कहीं बार balanced mood होगा, कहीं बार mania होगा। मूड चेंजेस आएंगे लॉन्ग पीरियड के लिए, हाई भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एक्सट्रीमली इरिटेबल मूड भी रह सकता है। मूड चेंजेस में हम बात करते हैं तो लॉन्ग पीरियड में है तो उसका जो इंक्लूडिंग सेक्स एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा, लॉस ऑफ द इंटरेस्ट एंड द बिहेवियर चेंज की बात करते हैं तो टेकिंग वेरी फास्ट, जंपिंग फ्रॉम द वन आइडिया टू अनदर, बींग ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, इंक्रीजिंग गोल डायरेक्टली एक्टिविटी सच एज टेकिंग इन द न्यू प्रोजेक्ट्स, बींग द रेस्टलेसनेस, sleeping title, having the unrealized beliefs in the one's abilities. बिहेवियर चेंजेस की बात करते हैं अगर डिप्रेशन मूड में तो वहाँ पे बात करते हैं फीलिंग टायर्ड, स्लोली डाउन, हैविंग प्रॉब्लम कंसंट्रेटिंग, रिमेंबरिंग, मेकिंग डिसीजन, बींग रेस्टलेसनेस और द इरिटेबल, चेंजिंग ईटिंग, स्लीपिंग और द अदर हैबिट्स एक्सेट्रा। अगर टाइप्स ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं तो बाइपोलर डिसऑर्डर यूजुअली लास्ट एज अ लाइफ टाइम, एपिसोड ऑफ द मेनी एंड डिप्रेशन टिपिकली कम बैक टू ओवर टाइम बिटवीन द एपिसोड मैनी टाइम पीपल बाइपोलर डिसऑर्डर आर द फ्री टू सिम्टम बट सम पीपल्स हैव लिगनरी सिम्टम्स लाइक देर आर द फोर बेसिक टाइप ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर बाइपोलर 1, 2 and 3 and 4। वन की बात करते हैं, इट इज़ अ मेनली डिफाइंड बाई द मैनिक और द मिक्सड एपिसोड, इसमें आपका डिप्रेशन भी होगा मेनिया भी होगा। The symptoms of the mania and depression both are the shows in the bipolar 1 disorder. Bipolar 2 disorder defined as the pattern of the depressive episode shifting back from the fourth with the hypomanic episode but no full down and the manic. यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, उसका डिप्रेसिव स्टेज रहेगी, मैनिक में और मिक्स्ड में वो नहीं आएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर नॉट otherwise specific BPNUS, that is a type 2 diagnosed, type 3 sorry, it is a diagnosed when the person has a symptom of the illness that do not meet diagnostic criteria for the others, bipolar 1 or the other. The symptom may be no last long enough, the person may have too few symptom to be diagnosed a bipolar 2 and bipolar 1. Cyclothymic disorder, it is a cyclothymia, mild form of the bipolar disorder. People who have the cyclothymia have the episodes of the hypomania and the shift back to the fourth and the mild depression in the at least 2 years. Etiology, that is the brain and the bipolar disorder caused by the कुछ specific symptom like chemical, brain chemical, neurotransmitter etc. जेनेटिक भी हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर आधा आधा डेवलप द पर्सन लेट टीन्स ऑफ द अर्ली अडल्ट ईयर्स, एटलीस्ट हाफ ऑफ ऑल केसेस स्टार्ट बिफोर द एज ऑफ 25. सुसाइडल रिस्क भी हो सकता है, प्रीवलेंस सबसे ज़्यादा है 32.4% टू 36.3%. हाउएवर द लेथालिटी ऑफ द अटैम्प्ट मे बी हायर इन द इंडिविजुअल विद द बाइपोलर 2 एंड बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मूड स्टेबलाइजर देंगे, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे एंड साइकोथेरेपी देंगे, CBT या फिर CET भी दे सकते हैं और फैमिली फोकस थेरेपी ECT भी दे सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोकंपल्सिव थेरेपी बोलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक दैट इज़ अ बाइपोलर डिसऑर्डर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।